नमस्कार जी। नमस्कार, जोहार। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम की महानायक को श्रद्धा के भावपूर्ण सुमन अर्पित करते हुए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, हार्दिक अभिनंदन मंचासीन सभी अतिथिगणों का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 नवंबर को उद्घोषित जनजातीय गौरव दिवस समारोह बेहद खास, जब आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान से स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के शुभ उद्घाटन के हम साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से स्वागत संबोधन हेतु। आज यहां झारखंड की राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान के इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज झारखंड में हो रहे कार्यक्रम के विशिष्ट रूप से आमंत्रित हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय यहां उपस्थित केंद्र सरकार के मंत्रीगण, यहां उपस्थित राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, रांची के हमारी मेयर साहिबा उपस्थित, यहां आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, ग्रामीणों, आदिवासी भाइयों, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जोहार करता हूं। आज का ये दिन निश्चित रूप से काफी ऐतिहासिक दिन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लगभग 150 साल होने जा रहे हैं आज इस जयंती को, और भगवान बिरसा मुंडा जी के याद में आज हम एक ऐसे जगह पर एकत्रित हैं जहां धरती आबा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। जिसको हम बिरसा कारा या बिरसा जेल से भी जानते हैं, आज इस परिसर को एक नया रूप देते हुए
इसको एक ऐतिहासिक चिन्ह बनाते हुए आज इस परिसर का सौंदर्यीकरण और कई राज्य के आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी और इस राज्य के समाज के अगुआ लोगों का एक संग्रहण तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को और इस राज्य के अंदर के बीते वक्त को, इतिहास को उन तक पहुंचा सके। इस देश में कई राज्य हैं, उनमें से झारखंड भी एक छोटा सा राज्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस राज्य की इतिहास अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। जब हमारे देश के लोग देश आजादी के सपने भी नहीं देख रहे थे, उससे पहले से यहां के लोग अपने हक अधिकार, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। कभी किसी से ये लोग डरे नहीं। धरती में जन्म लेते ही जीवन हमेशा इनका संघर्षमय रहा है और कहा जाए कि यह पूरा झारखंड एक वीर भूमि के रूप में चारों तरफ गूंजता है। चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो कोल्हान हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हर कोने में आप देखेंगे हमारे ऐसे वीर सपूतों ने यहां जन्म लिया। जहां इन लोगों ने अपने को सुरक्षित, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और इस प्रकृति को संरक्षित करने की लड़ाइयां लड़ी। आज भौतिकवादी युग में हम चांद पर पहुंच चुके हैं, उससे भी आगे जाने की तैयारी में भी है। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे वर्ग रहे हैं जहां कभी किसी के साथ ना कोई भेद, ना भाव, ना ऊंच ना नीच, ना घमंड ना गुरूर, किसी भी तरीके का द्वेष भाव मन में कभी नहीं रखा। हमेशा से इन लोगों ने सामूहिक रूप से सबको एक समान नजर से देखा। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है, इनको याद करने की आवश्यकता है और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है और इस विषय पर
आज सामूहिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई ऐसे वीर सपूत हैं, जहां हमें उनको भी और आगे तक उनके नामों को ले जाने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राज्य के हम उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। विशेष नहीं कहते हुए आज और भी कार्यक्रम हैं। आज यहां उपस्थित हुए सभी सम्मानित आदरणीय सदस्यों का, यहां उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों और सज्जनों, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथाओं को सहेज कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की एक बेमिसाल सी कोशिश है, एक सच्ची श्रद्धांजलि है उनको। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर सादर निवेदन होगा कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण करने की कृपा की जाए सर। साथ ही सादर निवेदन मंचा सिंह राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी अतिथिगणों से। ఫనీసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్, ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్స విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు మోకాళ్ళ శస్త్రచికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ ఫనీసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి ఫనీసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్, ఆపోజిట్ బీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్టిక్, 502032. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 08455241777 మరియు 7893757770. నమస్కారం. भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ रांची से जुड़े झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, अन्नपूर्णा देवी जी, रघुवर दास जी, झारखंड सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर के मेरे आदिवासी भाई और बहन, विशेषकर झारखंड के मेरे साथी, जोहार। हागा ओडो मिसी को दिसुम रेया आजादी रेन आकिलान मारग होड़ो महानायक भोगोमान बिरसा मुंडा जी, ताकिना जोनोम नेगरे दिसुम रेन सोमेन होड़ो को, आदिवासी जोहार। साथियों,
हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं और जब ये दिन आते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी आभा को, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य स्वरूप में पहुंचाए। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनित अवसर है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है और ये समय इस गौरव को, भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव, इन बुझाव एदाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हक जाना महा 15 नवंबर हिलोक जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाय। मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर वीरांगनाओं के चरणों में आज श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी झारखंड वासियों को, देश के कोने कोने में सभी आदिवासी भाइयों बहनों और हमारे देशवासियों को अनेक अनेक बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों, आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा हूं, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना की एक प्रकार से प्रकटीकरण का, भावुक कर देने वाला है। साथियों, आज के ही दिन हमारे श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले
अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। भारत की पहचान और भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी दिन रांची की इसी जेल में बिताए थे, जहां भगवान बिरसा के चरण पड़े हो, जो भूमि उनके तप, त्याग और शौर्य की साक्षी बनी हो, वो हम सबके लिए एक तरह से पवित्र तीर्थ है। कुछ समय पहले मैंने जनजातीय समाज के इतिहास और स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को संजोने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम की स्थापना का आह्वान किया था। इसके लिए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज आदिवासी संस्कृति से समृद्ध झारखंड में पहला आदिवासी म्यूजियम अस्तित्व में आया है। मैं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लिए पूरे देश के जनजातीय समाज, भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देता हूं। ये संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कानू से लेकर पोटोहो तक, तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही, उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। साथियों, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे ही 9 और म्यूजियम पर तेजी से काम हो रहा है। बहुत जल्द गुजरात के राजपीपला में, आंध्र प्रदेश के लांबासिंगी में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, केरला के कोझिकोड में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, तेलंगाना के हैदराबाद में, मणिपुर के तामेंगलोंग में, मिजोरम के केलसी में, गोवा के पोंडा में हम इन म्यूजियम को साकार रूप स्वरूप देते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। इन म्यूजियम से न केवल देश की नई पीढ़ी आदिवासी इतिहास के गौरव से परिचित होगी, बल्कि इनसे इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। ये म्यूजियम आदिवासी समाज के गीत, संगीत, कला, कौशल
पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैंडीक्राफ्ट और शिल्प, इन सभी विरासतों का संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने, हमारे अनेकानेक आदिवासी सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति। सनलाइफ मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ప్రజలకు నిరంతర వైద్య సేవలు అందిస్తున్న హాస్పిటల్, డయాబెటాలజీ స్టెమ్ సెల్ ఫిజిషియన్ లో ఇండియాలోనే మొదటి డాక్టర్ గా పేరుగాంచిన డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు అత్యాధునిక విజ్ఞాన పరిజ్ఞానంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చారు సన్లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ను. అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులతో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు, ఆపరేషన్, సర్జికల్ ఎమర్జెన్సీలు, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చికిత్స అందించనున్నారు. 24 గంటలు అందుబాటులో ఫార్మసీ మరియు అంబులెన్స్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి సన్లైఫ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ధమ్మాయిగూడ. కాంటాక్ట్ నంబర్ 8121678234, 9700971100. లేకిన్ ఉన్కే లియే ఆజాది కే స్వరాజ్ కే మాయనే క్యా థే? భారత్ కీ సత్తా, भारत के निर्णय लेने की अधिकार शक्ति भारत के लोगों के पास आए, ये स्वाधीनता संग्राम का एक स्वाभाविक लक्ष्य था. लेकिन साथ ही धरती आबा की लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी थी जो भारत की आदिवासी समाज की पहचान को मिटाना चाहती थी. आधुनिकता के नाम पर विविधता पर हमला, प्राचीन पहचान और प्रकृति से छेड़छाड़, भगवान बिरसा मुंडा जानते थे कि यह समाज के कल्याण का रास्ता नहीं है. वे आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, वो बदलावों की वकालत करते थे. उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों के, कमियों के खिलाफ बोलने का साहस भी दिखाया. अशिक्षा, नशा, भेदभाव, इन सब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, समाज के कितने ही युवाओं को जागरूक किया. नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच की ही यह ताकत थी जिसने जनजातीय समाज के भीतर एक नई ऊर्जा फूंक दी थी. जो विदेशी हमारे आदिवासी समाज को, मुंडा भाइयों बहनों को पिछड़ा मानते थे, अपनी सत्ता के आगे उन्हें कमजोर समझते थे, उसी विदेशी सत्ता को भगवान बिरसा मुंडा और मुंडा समाज ने घुटनों पर ला दिया. ये लड़ाई जड़ जंगल जमीन की थी. आदिवासी समाज की पहचान और भारत की आजादी की थी. और ये इतनी ताकतवर इसलिए थी क्योंकि भगवान बिरसा ने समाज को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ भीतर की कमजोरियों से लड़ना भी सिखाया था. इसलिए मैं समझता हूं जनजातीय गौरव दिवस समाज को सशक्त करने के इस महायज्ञ को याद करने का भी अवसर है, बार बार याद करने का अवसर है. साथियों, भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान जीत, उल गुलान जीत हार के तात्कालिक फैसलों तक सीमित इतिहास का सामान्य संग्राम नहीं था. उल गुलान
आने वाले सैकड़ों वर्षों को प्रेरणा देने वाली घटना थी। भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन दिया, अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया, इसलिए वो आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावना में, हमारे भगवान के रूप में उपस्थित है। और इसलिए आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उनका आशीर्वाद अपने सिर पर महसूस होता है। आदिवासी हुदारेया अपना दोस्तूर एनएम सुयाल को सदैव गोंपे रखा, जो तो न करा, यही काम आज हमारा भारत पूरे विश्व के लिए भी कर रहा है। साथियों, हम सभी के लिए भगवान बिरसा एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है। वो उस जीवन दर्शन का प्रतिरूप है जो सदियों से भारत की आत्मा का हिस्सा रहा है। हम उन्हें यूं ही धरती आबा नहीं कहते। जिस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ मानवता की आवाज बन रहे थे, लगभग उसी समय भारत में बिरसा मुंडा गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई का अध्याय लिख चुके थे। धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया, भारत की पीढ़ियों को दिशा दे दी। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश इतिहास के ऐसे ही अनगिनत पृष्ठों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है, जिन्हें बीते दशकों में भुला दिया गया था। इस देश की आजादी में ऐसे कितने ही सेनानियों का त्याग और बलिदान शामिल है, जिन्हें वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हम अपने स्वाधीनता संग्राम के उस दौर को अगर देखें तो शायद ही ऐसा कोई कालखंड हो जब देश के अलग अलग हिस्सों में कोई न कोई आदिवासी क्रांति नहीं चल रही हो। भगवान बिरसा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन हो या फिर संथाल संग्राम और खासी संग्राम हो, पूर्वोत्तर में अहोम संग्राम हो या छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल संग्राम, फॉरफील संग्राम हो, भारत के आदिवासी बेटे बेटियों ने अंग्रेजी सत्ता को हर कालखंड में चुनौती दी। साथियों, हम झारखंड और पूरे आदिवासी क्षेत्र के इतिहास को ही देखें तो बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला था। सिद्धो कानू और चांद भैरव भाइयों ने भोगनाडीह से सांथाल संग्राम का बिगुल फूका था। तेलंगा खड़िया, शेख भिखारी और गणपत राय जैसे सेनानी, उमराव सिंह टिकैत, विश्वनाथ सहदेव, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर
नारायण सिंह उत्राऊ राव जादोन नाना रानी घाड़िल्यो और राजमोहिनी देवी जैसे नायक नायिकाएं ऐसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इन महान आत्माओं के इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी गौरव गाथाएं, इनका इतिहास हमारे भारत को नया भारत बनाने की ऊर्जा देगा। इसलिए देश ने अपने युवाओं से, इतिहासकारों से, इन विभूतियों से जुड़े आजादी के इतिहास को फिर एक बार लिखने का आह्वान किया है। नौजवानों को आगे आने के लिए आग्रह किया है। आजादी के अमृत काल में इसे लेकर लेखन अभियान चलाया जा रहा है। मैं झारखंड के युवाओं से, विशेषकर आदिवासी नौजवानों से भी अनुरोध करूंगा, आप धरती से जुड़े हैं, आप न केवल इस मिट्टी के इतिहास को पढ़ते हैं बल्कि देखते सुनते और इसे जीते भी आए हैं। इसलिए देश के इस संकल्प की जिम्मेदारी आप भी अपने हाथों में लीजिए। आप स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास पर शोध कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, आदिवासी कला संस्कृति को देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए नए इनोवेटिव तरीके के भी खोज कर सकते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्राचीन विरासत को, अपने इतिहास को नई चेतना दे। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी सीना ताने खड़ा रह सकता है जब वो जड़ से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प है। ये संकल्प हम सबके प्रयास से पूरा होगा। मुझे पूरा भरोसा है भगवान बिरसा के आशीर्वाद से हमारा देश कंस्ट्रक्शन రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్, అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, Vertex Plaza near Radhika Theater, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885512, 9100885555. देश अपने अमृत संकल्पों को जरूर पूरा करेगा और पूरे विश्व को दिशा भी देगा। मैं एक बार फिर देश को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं देश के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जब भी मौका मिले आप रांची जाइए। इस आदिवासियों की महान संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी की मुलाकात लीजिए। वहां पर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए
यहां बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, समझना है और जीवन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बहुत आभार बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उद्घोषित करने हेतु। साथियों, ये कदम यहां से उठकर यही थमेंगे नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने का ये शानदार सा काम, बेमिसाल सा काम निरंतर चलता रहेगा। इसी गहराते संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा महोदय से धन्यवाद ज्ञापन हेतु। आज के इस झारखंड के धरती पर भगवान बिरसा मुंडा के पावन स्मृति में स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का राष्ट्र को समर्पण कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के लोकप्रिय और दुनिया के लोकप्रिय नेता परमादरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने आज इस भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। मैं आज इस अवसर पर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का संग्रहालय के उद्घाटन के लिए और पिछले दिनों उनके अगुवाई में जो देश में जनजातीय रणबांकुरों को सही सम्मान मिले, जनजातीय समाज के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उन्हें फिर से जानने का अवसर मिले, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का देश भर के जनजातीय समुदाय को और देशवासियों को यह गौरव दिवस में मनाने का अवसर दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा अवसर जिसका हम सबको गर्व महसूस हो रहा है और जिन बातों का उल्लेख उन्होंने अपने भावों में अभिव्यक्त किया कि देश भर में किस तरीके से भारत सरकार के और जनजातीय मंत्रालय जिस कार्य को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि देश के कई राज्यों में जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया, ऐसे जनजातीय समाज के माटी के लिए, धरती के लिए समर्पित हुए लोगों को कैसे जान सके, समझ सके, संग्रहालयों का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि आज हम देशवासियों को, खास करके जनजातीय समाज को, हमें किस तरीके से आगे बढ़ने का अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ते हुए आज के वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए आने वाले दिनों के
उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर चलने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल जो अपनी गरिमा में उपस्थिति बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत में और झारखंड के माटी के लाल की चर्चा की, मैं इस संग्रहालय उद्घाटन के शुभ अवसर पर उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने गरिमामय उपस्थिति के लिए हमारे कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी जी, जो विशेष तौर से झारखंड की कला संस्कृति, देश की कला संस्कृति और अपनी पहचान को निरंतर प्रोत्साहित करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जाए, विशेष तौर से यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय दीपक प्रकाश जी का, राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे राज्य के माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय स्थानीय सांसद संजय सेठ जी का, नगर के मेयर आशा लकड़ा जी का, यहाँ के विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह जी का, हमारे राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी का, हमारे मुख्य सचिव सहित राज्य के पदाधिकारियों का और यहाँ उपस्थित आप सभी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों का और पत्रकार समूहों का, जिनके गरिमामय उपस्थिति से आज निश्चित रूप से पूरा भारत इस बात को महसूस कर रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरीके से अपनी जमीन की बात की, स्वतंत्रता की बात की, आत्मनिर्णय की बात की और इस माटी की शक्ति को दुनिया से एहसास कराने का अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ते हुए इतिहास बनाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो झारखंड के और देश के ऐसे महान जनजाति स्वतंत्रता सेनानी सहित ऐसे विभिन्न समय में लगातार संग्राम करते हुए अपने को समर्पित करने वाले रणबांकुरों की चर्चा की, हम सब सुने और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ से पाथे के रूप में यह लेकर चले कि जिन रणबांकुरों ने इस देश में आहुति देकर हमें यह अवसर दिया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव को जहाँ चार चांद जनजाति गौरव दिवस के रूप में बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प को हम सब मिलकर के पूरा करने का लक्ष्य को सुनिश्चित करें, इन्हीं आह्वान के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, मुख्य मंत्री महोदय का, माननीय मंत्री भारत सरकार का और राज्य सरकार के मंत्री सहित सांसद एवं विधायक एवं सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Serenity Model High School విద్యార్థులకు అమ్మఒడి సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి Serenity మేడ్చల్ జిల్లాలో మెట్టిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ వన్ స్కూల్ Serenity. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nakaram. Admissions are in progress. Call 0402714689 and 0402714869.